शिवम, इस जानकारी के लिए बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी है और गांव चलो अभियान भी इसने शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के बड़े नेता गांव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों से बात की जीत की जा रही और पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का सूत्र भी बताया जा रहा है। प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत गुना जिले के गांव से की और दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर सवाल करने लगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ग्रामीण मतदाताओं पर है। चलो गांव की ओर अभियान का नारा देकर बीजेपी नेता शहर छोड़ गांव का रुख कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। वीडी शर्मा ने अभियान की शुरुआत के लिए दिग्विजय सिंह के गढ़ को चुना। वीडी शर्मा गुना जिले में राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आवन गाँव पहुँचे। यहाँ ग्रामीणों के साथ 24 घंटे बिताए, चुनाव सरकार और विकास की योजनाओं पर ग्रामीणों से चर्चा की। सुबह गांव के मंदिर में पोछा लगाया, गांव में झाड़ू लगाया और ग्रामीण छात्रों के साथ योग अभ्यास भी किया। नहीं है, जलवा सब खत्म हो गए, जनता ने सब खत्म कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में परिवारवाद को खत्म कर दिया है। राधोगढ़ का भी परिवारवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। जनता की यहाँ की डिमांड है और जनता इस बात को चाहती है। और न यहाँ किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़। आवन गांव में बैठकर वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के गढ़ को नकार दिया। लगे हाथ इसी गांव से प्रदेश के आदिवासियों को संदेश दिया कि आजादी के बाद से मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने आदिवासियों के बारे में सोचा, उन्हें सम्मान दिया और उनके विकास के लिए संजीदा है। आदिवासी भाई और बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से उनके उत्थान के लिए काम किया है, चाहे पैसा एक्ट कानून की बात हो, चाहे आदिवासी समाज को गौरव दिवस के माध्यम से सम्मान देने की बात हो, आदिवासी क्रांतिकारियों को भारत के अंदर मान सम्मान से लेकर के उन्हें स्थान दिलाने की बात हो। गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी शहरी वोटर्स के साथ ग्रामीण मतदाताओं को साधने का अभियान चला रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता पक्ष के अभियान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस बीजेपी के अभियान, दावे और वादे को हवा हवाई बता रही है। प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को झाबुआ आ रहे हैं मेरी विधानसभा में, उनका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि जब वो आए तो आदिवासियों पर पूरी ताकत से अपनी बात रखे और सिर्फ भाषण तक सीमित ना रहे। और जिस तरह से जल जंगल जमीन का अधिकार और पैसा कानून कमजोर करने का काम भाजपा सरकार ने करा है, ये निश्चित तौर पर इस चीज पर उनको अपना वक्तव्य देना चाहिए। एमपी में सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए सियासी दलों का दांव पेंच जारी है। बीजेपी का गांव चलो अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है। पार्टी एक तरफ ज्वाइनिंग अभियान के जरिए विरोधी दलों के नेताओं का अपने पाले में खींच रही है, वहीं गांव चलो अभियान के जरिए ग्रामीण मतदाताओं को अपने पाले में कर कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रपों की सियासी जमीन छीन लेना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी आलोचनाओं और बैठकों के दौर से आगे निकलती नजर नहीं आ रही। शैलेंद्र भदौरिया, News18 मध्य प्रदेश। और इधर जांजगीर चांपा जिले की बात करते हैं। यहां पर बीजेपी सरकार ने एक प्रचार रथ को ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रवाना किया है। इस रथ को रवाना करने का मकसद ग्रामीण इलाकों के लोगों को महतारी बंधन समेत उन तमाम योजनाओं की जानकारी देना है, लेकिन आम चुनाव से ठीक पहले इस रथ को रवाना करने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि अभी आश्वासन भर दिया है, योजनाओं का लाभ मिलना तो शुरू नहीं हुआ। जांजगीर चांपा जिले में महतारी वंदन योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए रथ रवाना किया गया। ये रथ किसान उन्नति, आयुष्मान योजना, महतारी वंदन जैसी उन तमाम योजनाओं का गांव-गांव घूमकर प्रचार करेगा जिसे केंद्र और राज्य सरकार लाई है। प्रशासन के मुताबिक इस रथ को चलाने की मंशा आम लोगों को इन योजनाओं की जानकारी देना है, ताकि जिन्हें नहीं मालूम है वो जान लें और इस योजना का लाभ उठाएं। शासन के, राज्य शासन और केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी मिल पाए और जो रही पात्र हैं लेकिन उसका लाभ लेने से छूट गए हैं
वो इस योजना का लाभ ले पाए, इसलिए महतारी बंधन योजना हो गया, कृषक उन्नति योजना जिसमें 3100 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जा रहा है, ये और केंद्र सरकार की सारी महत्वपूर्ण योजनाएं पीएम विश्वकर्मा हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, उन सबका प्रचार प्रसार करने के लिए आज हमने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार प्रसार रथ है उसको रवाना किया। ये हमारे जिले की सभी 336 ग्राम पंचायतों में जाएगा और वहाँ जो हितग्राही जागरूकता के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं उन सबको इनके बारे में प्रचार किया। लेकिन आम चुनाव की नज़र से देखें तो केंद्र की सत्ता के महासंग्राम से ठीक पहले जनता को ये बताना है कि इन योजनाओं को जो सरकार लाई है वो केंद्र की मोदी और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार है। इन सबसे ऊपर ये संदेश देना है कि जिस मोदी की गारंटी पर प्रदेश की जनता को भरोसा करने की बात कही जा रही है उस योजना को पूरा करने में सरकार कोई कोर कसोर नहीं छोड़ रही। देखिए कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए जगह नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी अनर्गल बातें करते रहते हैं, जो योग्य होता है उसी को अवार्ड मिला जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस सारी चीज में एक अंतिम से व्यक्ति को कहाँ पे क्या सम्मान होना चाहिए, कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, कौन से वर्ग का कैसे ख्याल होना चाहिए, इस सारी चीज में हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी इसे आम लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के मकसद से शुरू किया गया अभियान बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ प्रचार करने वाली सरकार है। भाजपा की सरकार यानी विज्ञापन बाजों की सरकार, ये सिर्फ योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, लाभ किसी को नहीं देंगे। महतारी वंदन योजना में जिस प्रकार से बजट बनाया गया है प्रदेश के 80 लाख विवाहित महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलना है। प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख आवास देने का दावा किया गया और अभी तक इनकी केंद्र की सरकार ने 18 आवास भी स्वीकृत नहीं किए हैं। 18 लाख आवास दूर की बात है। आम चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कदम चुनावी नफा नुकसान के लिहाज से उठाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार भी इसी का हिस्सा है। बहरहाल रथ चल पड़ा है, अब देखना यह है कि इसका कितना लाभ वोटर्स को मिलता है और कितना बीजेपी को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, छत्तीसगढ़।